न्यायालय में रोकोगे तो मेरे पास अन्य भी रास्ते, लेकिन मैं हिंदुस्तान को दिखाना चाहता, इस देश में हिंदुओं का अपमान करने के कारण किसी मीडिया के किसी भी शो को बैन नहीं लगा। इस देश में हमारे साधु संतों तो छोड़िए, भगवानों का अपमान किया गया, बैन नहीं लगा, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हम पे हो रही है। मैंने जितने तथ्य आपके सामने रखे हैं उस तथ्य में एक गलती कोई दिखाए, ये लल्लन टॉप वाले, अरुण पुरी का चैनल वाले, ये फैक्ट चेकर मेरी झूठी केवल स्क्रीन की क्लिप को दिखा रहे, उसके पीछे का आवाज को नहीं दिखा रहे, और फैक्ट चेक में कहते हैं कि इनका आंकड़ा गलत है। मैं ऐसे तमाम लोगों को मेरे साथ डिबेट के लिए आह्वान करता हूं कि आइए, हिम्मत है, मर्द हो, मर्द के बच्चे हो तो आइए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार। सुदर्शन में आने का डर लगता है तो मैं तुम जहां हो वहां आने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं आओगे, मुझे रोकने के लिए जेल, मुझे रोकने के लिए न्यायालय में जाओगे, जेल भेजने के लिए पुलिस स्टेशन जाओगे, लेकिन उससे आसान है ना, शो में आओ, चर्चा करो, नहीं आओगे। देश के प्रधानमंत्री का ओएसडी रहा हुआ व्यक्ति भी जब एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के डिबेट में आने से भागता है, तब सोच लीजिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। मित्रों, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि तुम तो मुसलमान क्यों कह रहे, अरे भाई मुसलमान नेता जब कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है नौकरशाही में, तो जब मुसलमान मुसलमान कह रहे हैं तो मैं मुसलमान क्यों ना कहूं, क्यों क्यों ना कहूं, मुसलमान गाली है। जब वो जिहाद की बात करता है तो मैं जिहाद की बात क्यों ना करूं, भाई तुम तो जिहाद को पवित्र कहते हो ना, फिर मेरी जिहाद कहने पर तुमको इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग जाती। मित्रों, ये सारी बातें सबूतों के साथ रखी है, ये तो मैंने 2% बताया, केवल 2%। हमको पूछा गया कि आपके पास बचे हुए 6 एपिसोड का कंटेंट क्या है, तो हमने कहा कि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि मीडिया संस्थान के सोर्स को आप पूछ नहीं सकते, हमें कहां से खबर आई आप बता नहीं सकते, पूछने का आपको अधिकार नहीं है। कुलश्रेष्ठ जी तो वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मीडिया के इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। बावजूद मैं बताता हूं कि जकात से निकले हुए IAS IPS ने क्या क्या जिहाद किया है, उसके सरकारी कागजात के साथ मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल रहा नजीब जंग ने क्या किया हुआ है, और नजीब जंग की जगह जेल में कैसे, दिखाऊंगा। अमित शाह जी को गिरफ्तार करने वाला एक IPS जो कि एक राज्य का DG भी रहा है, उसने क्या किया है, उसका नंबर जेल में आएगा, उसको भी दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, देश के तंत्र में घुसकर कैसे कब्जा करने का पूरा षड्यंत्र बना हुआ है, इसके पर्दे खोलूंगा। ये पर्दे खुलेंगी तो बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, ये जानते हैं, और ये बात दूर तक जाएगी तो इनका क्या होगा ये भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात, जिना ने जिसकी शुरुआत की, जिना ने कहा था कि अगर हमको पाकिस्तान लेना है, इस देश का विभाजन करना है, तो हमको विधि पालिका में और हमको कार्यपालिका में, मतलब ब्यूरोक्रेसी में घुसना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी में घुसने की बात जो जिना ने शुरू की थी, ज़कात फाउंडेशन जैसी 175 संस्था हिंदुस्तान में चला रही है, 175, उनका भी तो अभी निकालना है ना। मेरे पास 2 टेम्पो से भरे हुए ज्यादा कागजात है, मैंने उनको हिंदुस्तान के 4 अलग शहरों में फोटोकॉपी करके और डिजिटल सर्वरों में रखा है, क्योंकि यहां पर हमको कुछ किया जाए और ये कागज खत्म हो तो भी सबूत खत्म नहीं होंगे, इतना पूरा पक्का खेल किया है। और ये जानते हैं कि सुरेश चव्हाण के कोई मुद्दा जब हाथ में लेता है, और सुदर्शन चक्र जब सुदर्शन का चलता है, तो गद्दारों की खैर नहीं, और इसीलिए ये सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, क्या मैं अकेले, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये तो हम सब की लड़ाई, हम सब के बच्चे इस देश के तंत्र में जाकर इस देश को हजारों और सालों तक बचाएंगे, या कुछ जिहादी को घुसाने की मुस्लिम मातताई आतंकवादी संस्थाओं के षड्यंत्र को यशस्वी होकर वो इस देश पर कब्जा करेंगे। अपने आप को पूछिए, अपने आप को पूछिए कि इस प्रकार का फैजल जैसा जिहादी अगर देश का किसी जिले का जिलाधिकारी होगा तो क्या होगा, फैजल जैसा जिहादी अगर किसी मंत्रालय का सचिव होगा तो क्या होगा, फैजल जैसा कोई आपके आपके सारे तंत्र के अंदर एक सेंटर पॉइंट पे जाकर बैठेगा तो क्या होगा। मुझे कई मंत्रियों ने जब पूछा कि सुरेश तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, तो मैंने उनको एक प्रश्न,
मैंने मंत्रियों को कहा कि आपको बहुत काम करने हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है। आज तो उनका प्रतिनिधित्व, जो षड्यंत्र के तहत आने वाले जिहादियों का प्रतिनिधित्व तो बहुत छोटा है, उसके बावजूद आपके ये हालात है। बताइए कि जब वो संख्या में ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में होंगे तो काम कर पाएंगे क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रत्येक सपने को उसी गति के साथ जमीन पर उतार पा रहे हैं क्या? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? आज की अगर ये स्थिति है, जो आज लेफ्टिस्ट, आज जेएनयू गैंग और आज तथाकथित सेक्युलर वाद से प्रभावित ब्यूरोक्रेसी अगर हिंदुस्तान का आज ये हाल कर रही है, ये उसके गति को ब्रेक लगा रही है, तो सोचिए कि उसके अंदर जब जिहादी होंगे तो ब्रेक लगाना तो दूर, गाड़ी उल्टी पहिए पर नहीं चलेगी तो क्या होगा? और इसलिए मित्रों, इसको रोकना जरूरी। ये दावा, ये तर्क गलत है कि मुसलमानों की जनसंख्या 18% है, तो हमारे 18% लोग वहां पर क्यों नहीं है? अरे परीक्षा में तो तुम 18 नहीं, तुम तो 5% नहीं बैठ रहे हो। कुल संख्या जितनी बैठती है उसकी 5% न बैठकर अगर तुम 18% की अपेक्षा करते हो तो पहले तो ये गलत। दूसरा, किसी भी जाति, वंश, धर्म या समूह का प्रतिनिधित्व कहां पर कितना है ये निर्भर होता है कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके विचारों का स्तर क्या है, उसका सामाजिक अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है। मुसलमान आज नाई, उत्तर भारत में नाई के बिजनेस में 90% से ज्यादा, तो वहां पर ये क्यों कहा नहीं जाता कि वहां पर 80% हिंदू कहां चला गया? उनकी संख्या क्राइम में सबसे ज्यादा है आज आबादी। ये मैं सुदर्शन के आंकड़े ने इंडियन एक्सप्रेस ने अभी अभी कुछ दिन पहले पब्लिश किया है कि मुसलमान जेलों में कितने हैं, अंडर ट्रायल कितने हैं, सजा प्राप्त कितने हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप ये दावा करें कि हमारा प्रतिनिधित्व यूपीएससी में नहीं हो रहा है तो फिर तो गलत है। और अगर जो भी व्यक्ति ये कहता है कि यूपीएससी में संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो ये दावा दे करता है कि लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये कोई हिंदुस्तान कोई केक है कि जो अपने अधिकार के साथ आए काटे और खाए, कोई जमीन का टुकड़ा लेके जाए, कोई सब्सिडी का पैसा लेके जाए, कोई केक काटे और नौकरशाही में अपना अधिकार लेके जाए, कोई ज्यादा बच्चे पैदा करे और संसद और विधायिका में अपने अधिकार को लेके जाए, ये केक है या ये हमारी मातृभूमि है जिसके लिए हमारे करोड़ों पुरखों ने बलिदान दिया और उसके बाद ये लोकतंत्र हमारे हाथ में मिला है, ये अधूरी आजादी हमारे हाथ में मिली है, ये अधूरा देश हमारे हाथ में मिला है, उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो सोचिए कि आने वाला कल कितना खतरनाक है। उस खतरनाक कल को देखकर अगर आज नहीं जागोगे तो फिर कल का क्या होने वाला है कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्रों, मेरे पास एक चैनल है, देश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये चैनल चल रहा है, मैं ये मुद्दे ना उठाऊं, विवादों में ना पड़ूं तो मेरा चैनल सुरक्षित लंबे समय तक चल सकता है, मेरे भी जान को और माल को खतरे का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो मोल कर उसको, उस खतरे को हाथ में लेकर तमाम संभावनाओं के बाद, चैनल बंद होने के डर के बाद, मेरी गिरफ्तारियों की संभावनाओं के बाद, क्योंकि मेरे ऊपर केबल एक्ट के धारा के आधार पर कानूनी कार्रवाई करके 2 साल की मिनिमम सजा की जो बात की जा रही है, ये भी मैं खतरे मोल कर ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 साल बाद, 25 साल बाद जब मुझे देश पूरा कब्जा हुआ दिखेगा, तब मेरे मन में अगर आएगा कि सुरेश तेरे पास तो चैनल था, तेरे पास तो दर्शक था, तू एंकर था, तू बोल सकता था, लेकिन तुम बोला नहीं, आज पछतावा कर रहे हो। मुझे आज मरना तैयार है, मुझे आज बलिदान देना तैयार है, लेकिन 15-20-25 साल बाद हताश निराश होकर इस परिस्थिति के तरफ देखना मंजूर नहीं है। इसके लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता और मेरे अधिकारों की प्राप्ति के साथ इसके लिए लड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वो रोकना के दिखाए, जो साथ आएगा उसके साथ, जो विरोध करेगा उसका विरोध करके मैं इस अभियान को चला कर, पुष्पेंद्र जी और देश के तमाम राष्ट्रवादी लोग मेरे साथ है, उन्होंने वचन दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमें लड़ाई लड़ेंगे। ये तो केवल एक क्षेत्र के कब्जा की बात है, कब्जा तो हिंदुस्तान के बड़े जमीन पर भी हो चुका है, कई लोगों के मनों पर होकर गुलाम बनाया जा चुका है,
आज क्या गुलाम नहीं हमारे पास, कहाँ कब्जा नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक लाइव में, एक यूट्यूब के इस सेशन में मैं आपके सामने क्या बात बताऊं मित्रों, अभी तो बहुत लंबी है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो ऐसे ऐसे मुद्दे आपके सामने आने वाले हैं कि आप चौंक जाएं। हमारे सीमा, हमारे जमीन, हमारे देश के अंदर, हमारे मंदिर, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, न्यायपालिकाएं, मेरे पास तो इतना बड़ा डाटा है कि मैं अगर सीरीज लगातार चलाता रहूं तो साल भर चलेगी। और अभी तो केवल यूपीएससी की बात निकली है, अभी तो राज्यों की बात निकलनी, अभी तो राज्यों में जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें नौकरशाही की जो भर्तियां है उनकी बात निकालनी है, अभी तो तमाम राज्यों ने वहां पर रिजर्वेशन दिया है। आप अभी गूगल करके देखिए, तेलंगाना ने घोषणा कर दी। आप मुझे बताइए, राज्य सरकारें भी पैसे दे और केवल मुसलमानों को अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े पैमाने पर दे, केंद्र भी दे, विदेश के आतंकवादी पैसे भी दे, ये सब कुछ अगर एक ही धर्म और पंथ के लिए करना है तो हिंदुओं ने क्या पाप किया है? अपने आप को पूछिए, क्या गुनाह किया है हमने, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया ना इस देश के लिए, जिनके पास बड़े बड़े राज्य थे, बड़े साम्राज्य थे, हजारों गांव जिनके राज्य में आते थे, उन्होंने देश का तिरंगा झंडा तय करके जब ये देश एक करने की बात की तो हजारों संस्थानिकों ने अपना संस्थान, अपना राजकाज इस देश में विलीन कर दिया।